हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे UPSC के पेपर की आंसर की। इस पेपर से हमने 100 क्वेश्चंस पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, वहाँ पे आपको 2021 ऑल पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से इस पेपर को, प्रीवियस पार्ट के पेपर को, यानी कि जो पार्ट अपना प्रीवियस हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो आपको करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, फटाफट सभी क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चंस बच गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 101, यानी कि 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन इज़ द मेन कॉज ऑफ PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन या फिर मेन कॉज जो है वो क्या है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, एटोनिक यूट्रस। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल है जो एंटीसेप्टिक या फिर डिसइनफेक्टेंट के रूप में यूज़ में नहीं लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जो यहाँ पे तीन जो केमिकल्स दिए गए हैं, ये तीनों ही एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन, यानी जो हिंड मिल्क होता है फिर हाइंड मिल्क जो भी आप बोलते हैं, हाइंड मिल्क के अंदर जो मदर ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर जो हाइंड मिल्क होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये आपको पूछा गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, फैट्स अलॉन्ग विथ विटामिन ए एंड ई। जो वसा और जो विटामिन ए और ई है, ये सबसे ज़्यादा हाइंड मिल्क के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामाइंड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और आप वहाँ पे सबसे मतलब उसको एग्जामाइन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले आपको देखना है पैटेंसी ऑफ एयरवे। कुछ लोग देखेंगे कि इसको कितनी क्या ब्लीडिंग हो रही है, हैमरेज को चेक करेंगे, कुछ लोग फ्रैक्चर को चेक करेंगे, कहाँ कहाँ से ये टूटा है, कहाँ कहाँ से ये फूटा है। कुछ लोग हेड इंजरी देखेंगे कि भाई इसके सर में तो चोट लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं देखना है। जिन्होंने देखा है उनका आंसर गलत हो गया है। सबसे पहले आपको देखना है पैटेंसी ऑफ एयरवे। अगर उसकी सांसें चल रही है तो वो जिंदा है, अगर उसकी सांसें ही नहीं चल रही है तो चाहे आप हेमरेज देखो, चाहे फ्रैक्चर देखो, चाहे हेड इंजरी देखो, कोई मतलब नहीं है, पेशेंट ऑलरेडी मर चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पैटेंसी ऑफ एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एसोसिएटेड विद ज्वेलाइन डेलिक्वेंट्स। जो ज्वेलाइन डेलिक्वेंट्स है उससे रिलेटेड एक नहीं है, मतलब इससे जुड़ा हुआ एक नहीं है। जो निम्नलिखित में से आपको ऑप्शंस दिए गए उनमें से, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, प्रोबेशन हॉस्टल्स। जो प्रोबेशन हॉस्टल्स है ये ज्वेलाइन डेलिक्वेंट्स से जुड़े हुए नहीं है, इससे एसोसिएटेड नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए गए ये बिल्कुल सही है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उनमें और आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की, यहाँ पे आपको मिलान करना था, यहाँ पे आपने मिलान भी किए होंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3, यानी जो रेड बैग है उसके अंदर क्या होगा, ग्लव्स आप डालेंगे। ऑप्शन बी के अंदर होगा एक, यानी येलो बैग के अंदर बैंडेज जो ब्लीडिंग से सनी हुई होती है उनको किस में डालते हैं, येलो बैग के अंदर। ब्लीस वाइट पंक्चर प्रूफ बैग जो होता है उसके अंदर डालते हैं नीडल्स, जो भी नीडल्स होती हैं उनको डालते हैं ब्लू बैग या फिर ब्लूस वाइट बैग जो भी आप बोलते हैं। ब्लैक बैग के अंदर होता है सैनिटरी वेस्ट। तो यहाँ पे जो सैनिटरी वेस्ट होता है वो ब्लैक बैग के अंदर डाला जाता है। तो ये इस प्रकार से मतलब जो बैग येलो बैग यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको वैसे बता भी रखा अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज प्रीफर्ड पोजिशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ए बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के जो बेबी होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई मदर दे रही है तो कौन सी पोजिशन के अंदर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, अपराइट पोजिशन। कौन सी पोजिशन, अपराइट पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिग्यूरिया मीन्स, ओलिग्यूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अगर यूरिन का आउटपुट 400 ml से कम हो रहा है तो इस टर्म को बोलते हैं ओलिग्यूरिया। क्या बोलते हैं, ओलिग्यूरिया। अगर 100 ml से कम हो रहा है तो उस टाइम को बोलते हैं एन्यूरिया। क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर फिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज,
यानी जो मोस्ट यानी कि आप बोल सकते हैं मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी ई कोलाई। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया इज, यानी जो मेनिया है उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी लिथियम। जिन्होंने क्या उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग, कौन सा पेल्विस है जो कॉमनली मतलब चाइल्ड डिलीवरी या फिर चाइल्ड बियरिंग या फिर बच्चे की डिलीवरी के लिए मतलब सही होता है, तो कौन सा है और ये आइडियल होता है मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है डिलीवरी के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी गायनेकोइड। जिन्होंने क्या उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेल्थी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर EHR वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। EHR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द करेक्ट ऑर्डर इन 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन, यानी जो मरने वाला पर्सन होता है उसके 5 चरण होते हैं, उनको सही क्रम में आपको जचाना था, उनको सही आपको बताना था कि किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डाबडा की बात करें, जो ग्रिप प्रोसेस है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा DABDA, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया, जो रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल है इंडिया के अंदर वो कितना क्या माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 85 डेसिबल, कितना 85 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होते हैं, जो भी प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती है उनके अंदर फर्स्ट स्टेज जो लेबर होती है उसमें कितना क्या ड्यूरेशन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 12 hours, कितना 12 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग फॉर फ्रैक्चर इन बॉन्स, यानी जो भी फ्रैक्चर हुआ है तो जो टूटी हुई हड्डी है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है उसको जोड़ने के लिए, दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, यानी यहाँ पे एक्सरसाइज आप कराओगे, ऑलरेडी उसकी हड्डी टूटी हुई है तो और ज़्यादा टूट जाएगी। इमोबिलाइजेशन, अगर आप पेशेंट को हिलाओगे डुलाओगे नहीं तो पेशेंट वहाँ पे मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे उसको नंबनेस वगैरह होगी, टिंगलिंग वगैरह होगी, तो इस प्रकार की कंडीशन होगी। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज का मतलब इमोबिलाइज यानी कि आप थोड़ा बहुत उसको टहला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी आपको नहीं टहलाना, तो ये कोई इंपॉर्टेंट इसका मतलब यूज़ नहीं है, या फिर आप इससे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, एंटीबायोटिक से भी आप ठीक नहीं कर सकते, कैल्शियम सप्लीमेंट उसको देना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कॉम्युनिस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस, जो गैस्ट्राइटिस है उसके लिए कौन सा कॉम्युनिस्ट बैक्टीरिया जो कॉज करता है गैस्ट्राइटिस, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी एच पाइलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये होता है जो कॉमनली गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली एंड एवरेज हेल्दी एडल्ट, जो हेल्दी एडल्ट होते हैं उनको कितने घंटे सोने की ज़रूरत होती है, यानी कितनी देर उनको नींद निकालनी ही निकालनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी 7 hours, यानी 7 से 8 घंटे तो पर डे प्रत्येक पर्सन को, यानी एडल्ट वन जो होते हैं उनको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। अगर बच्चों की बात करें तो उनको फिर 9 से 10 घंटे तक उनको सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें से कौन सा मेन जो इक्विपमेंट है जो हमें बचाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी मास्क। क्या मास्क, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, तो मास्क आपको पहनना है अगर आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, मैनेजमेंट के सभी फंक्शन है एक को छोड़कर, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी डिक्टेटिंग आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सभी क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट के, डिक्टेटिंग फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग में प्रोड्यूस रेड कलर्ड यूरिन आफ्टर इट्स कंजप्शन, यानी कौन सी वो ड्रग है जिसको लेने के बाद में रेड यूरिन यानी कि रेड कलर का यूरिन पर्सन को देखने को मिलेगा, उस पेशेंट को देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसमें जो यूरिन पास आउट करेगा जब, तो उसको रेड कलर में वो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
कॉर्ड रिमेन्स अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन से अटैच रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए बैटल डोर प्लेसेंटा, जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस, ये थोड़ा कन्फ्यूजियस क्वेश्चन है। जो प्रोस्टाग्लैंडिंस है उसका मेन एक्शन आपको पूछा गया था, मेन काम उसका आपको पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। बाकी जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको अलग से जो भी अगर करेक्शन वगैरह होगा तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट्स, जो जिप फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर वो क्या करती है या फिर उसका काम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी ह्यूज डाटा इन ए कंप्रेस्ड फॉर्म, यानी कि विशाल डाटा को कम जगह में दबाकर रखना, किसका काम होता है, जिप फाइल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डेथ, जो डेथ है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक बनवा लेना चाहिए, डेथ होने के कितने दिन बाद तक। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 21 डेज 21 दिन, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो चाहे फिर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, 21 दिन के अंदर अंदर आपको बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन मनाया जाता है, WHO की स्थापना इस दिन हुई थी, ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन एडल्ट्स, जो भी एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन लगती है उसका शेड्यूल आपको पूछा गया था कि कब कब लगाई जाती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी 0-16 मंथ्स, 0 यानी कि 8 बर्थ पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, 1 मंथ पे लगती है और 6 मंथ पे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यानी 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एज वाटर प्योरीफायर इज डिस्करेज्ड, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट, यानी इसका अवशिष्ट प्रभाव नहीं रहता है, तो ये गलत है। यानी जो अभिकथन है वो कारण का सही से मतलब उसका वो मतलब जो सही कारण है वो नहीं दे पा रहा है। यानी यहाँ पे कथन तो दोनों सही है लेकिन जो ए है वो आर का सही से कारण नहीं बता पा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एब्डोमन पेयर्स पैचेज आर फाउंड, यानी जो पेयर्स पैचेज है वो एब्डोमन के कौन से ऑर्गन के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वट डू यू मीन बाई की लोगर इन कंप्यूटर, की लोगर जो होती है कंप्यूटर के अंदर इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, आप इससे ये समझते हैं ए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग की स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे बी करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज, यानी जो अल्जाइमर डिजीज है उसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, ये तो आप सभी को पता है कि मेमोरी लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। देखिए, अर्ली एंड रिसेंट हॉल मेमोरी लॉस, यानी कि मेमोरी लॉस को लेकर ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, लेकिन आपको करना कौन सा ऑप्शन था ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने किया क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी रिसेंट मेमोरी लॉस। अगर अल्जाइमर डिजीज किसी पर्सन को होता है तो उसको रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ वो भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी आयरन की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 1000 mg, 1000 mg आयरन की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोबिया इज एन एग्जिग्रेटेड एंड अननेसेसरी फॉर्म ऑफ फियर, यानी फोबिया जो है वो क्या है, अनएग्जिग्रेटेड अननेसेसरी फॉर्म ऑफ फियर, फियर की अननेसेसरी फॉर्म है या एग्जिग्रेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन, जो WBC है वो कितनी होती है नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके अंदर। यानी छोटा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया और ये सभी को आपको पता भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, 400 to 1100, यानी कि 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड सेल्स होती है वाइट ब्लड सेल्स की, ये काउंटिंग होती है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ परसिस्टेंट क्रेजिंग्स टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम्स इज नॉन एज, यानी कोई पर्सन
ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कंजप्शन करता है या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को खाता पीता रहता है जिनकी उसके बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी उसको भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइका। क्या बोलते हैं इसको? पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर पॉस्को एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, यानी जो पॉस्को एक्ट है वो भारत के अंदर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन बी यानी 2012 के अंदर, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली विच ड्रग इज यूज्ड टू डायलेट द पीपल ऑफ आई, यानी जो आई है उसकी पीपल्स को आपको डायलेट करना है, तो कौन सी ड्रग आप नॉर्मली यूज लेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, ट्रोपिकेमाइड। ट्रोपिकेमाइड, तो ये जो ड्रग है ये क्या काम करती है? आई की पीपल को डायलेट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंडीशन इन विच फोरस्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस ऑफ पेनिस, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं ऑप्शन बी, फिमोसिस। क्या बोलते हैं? फिमोसिस। दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से हिंदी पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को लेकर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सी, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये ऑप्शन एक गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है, सिक टेस्ट इसमें किया जाता है और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो 2 से 5 दिन का होता है, तो ये सभी सही है। एक जो ऑप्शन है वो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, यही तो आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन गिवन बिलो, जो नीचे आपको चार नाम दिए गए वैक्सीन के, इनमें से कौन सी मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, पोलियो। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेल कटिंग इज टू एक्सेप्ट, थोड़ा सा इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नाखून काटने के संबंध में नीचे जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा, मतलब सभी सत्य है एक को छोड़कर, मतलब सभी स्टेटमेंट सही है ट्रू है एक को छोड़कर, दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, नाखून को एक कोने से काटना चाहिए। तो ऑप्शन सी है वो आपको करेक्ट आंसर करना था। बाकी ऑप्शंस क्या है? बिल्कुल सही है, नाखून को कम से कम 15 दिन से काटना चाहिए, अंगुली के नाखून को एक ही दिशा में काटना चाहिए, पैर के अंगुलियों के नाखून सीधा आर पार काटना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही दिशा में काटना चाहिए। जो ऑप्शन सी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फेटिक तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, कौन सा एक लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट, सभी जो करेक्टरिस्टिक है वो अर्बन सोसाइटी के है एक को छोड़कर, यानी एक जो करेक्टरिस्टिक दिया गया वो किसका है? रूरल सोसाइटी का। और कौन सा? ऑप्शन डी, जिन्होंने क्या एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये है अर्बन, यानी ये रूरल सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये किसके? अर्बन सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइस वाटर स्टूल इज फाइंडिंग इन विच ऑफ डिजीज, यानी कि जो राइस वाटर स्टूल है वो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर होता है? ये होता है कॉलेरा के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मेजर्स टू ओवरकम बेड बॉडी ओडर, यानी कि शरीर के दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, टू अवॉइड बॉथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी महावारी के समय स्नान से बचना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो बदबू है उसको आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, शरीर के दुर्गंध को आप जो है नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अपने शरीर को स्वच्छ रखना सही है, प्रत्येक दिन स्नान करना ये भी सही है, डिओडोरेंट का प्रयोग करना ये भी सही है। जो आपको ऑप्शन यहाँ पे करना था करेक्ट वो क्या करना था? ऑप्शन डी, आपको एक ऑप्शन गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम, यानी ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायूरेटिक्स शुड बी गिवन यूजली एट विच टाइम, जो डायूरेटिक्स देते हैं वो मेनली किस टाइम पे दी जाती है? दोस्तों कभी भी डायूरेटिक्स नाइट में नहीं देते, ना ही इवनिंग में देते हैं, डायूरेटिक्स को मेनली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा देते हैं, नून के अंदर यानी कि आफ्टरनून दोपहर में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दी जाती है डायूरेटिक्स तो मेनली मॉर्निंग के अंदर ही दी जाती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट को लेकर दिया गया, देखिए स्टेटमेंट क्या है,
केएमसी इज़ ए वैल्यूएबल मेथड फॉर गिविंग नर्सिंग केयर टू प्रीमेच्योर बेबीज इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर जो भी प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनको नर्सिंग केयर के तौर पे केएमसी प्रोवाइड की जाती है, इन कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट, दिस मेथड हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, इंप्रूविंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन इन प्रीमेच्योर बेबीज। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको ये दोनों ही सही है। ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, ए एंड आर दोनों ही सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। अगर आप केएमसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे आप क्या कर रहे हैं, जो मेंटेन मतलब टेम्परेचर जो है वो आप मेंटेन कर रहे हैं, ग्रोथ इंप्रूव कर रहे हैं, साथ में इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट आप बच्चे को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करना था, तो यहाँ पर आपने अगर ए किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नॉन एज। बिल्कुल सिंपल आपका पेपर ही आया था, बिल्कुल सिंपल पेपर था, बहुत कम यानी कि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत टिपिकल होंगे, यानी थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी सभी बिल्कुल सिंपल पेपर आपको पूछा गया था। देखिए, फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस, जो क्लोज्ड स्पेस है उससे अगर कोई डरता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी, गैस गैंग्रीन का मोस्ट जो प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफ्रिजेंस। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ओस रिमेन्स क्लोज्ड एंड देयर नो पैसेज ऑफ टिश्यू, यानी कि वो कौन से टाइप का अबॉर्शन है जिसके अंदर सर्वाइकल ओस क्लोज रहती है और जो टिश्यूज है उसके अंदर किसी प्रकार कोई पैसेज नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, थ्रिएटंड अबॉर्शन, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिफेंस मैकेनिज्म पसिंग पुशिंग थ्रिएटनिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और सिचुएशंस आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरीज टाइम्ड एज, यानी कि आपको टाइम पूछी गई है डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर, यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है। अब आपको पूछी गई है किसकी डेफिनेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी उनमें आपको यहाँ पे करेक्ट जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी रिप्रेशन, रिप्रेशन जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो वो होता है ऑप्शन डी ओ, जो ओ ग्रुप के होते हैं वो यूनिवर्सली मतलब सभी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस त्रासदी या डिजास्टर, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, यानी जब वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो कौन सी गैस की वजह से ये त्रासदी मची थी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिन्होंने किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द प्रीफर्ड साइट ऑफ फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको जो IM इंजेक्शन लगाया जाता है उनकी जो मोस्ट साइट होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, वेंट्रोग्लूटियल साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिया है वो कौन से रीजन के अंदर आता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और ये मैंने आपको WHO के अंदर बताया भी था, और इसका जो हेडक्वार्टर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन का वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिचुएशन शुड बी यूज टू MOP अप मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, यानी OT के अंदर ब्लड के जो है मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्लड की जो भी बूंदे हैं वो गिर गई है किसी पर्सन की, तो उसको साफ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड का अगर आपको फ्रेश के बारे में पूछे चाहे आपको क्लॉथ्स के बारे में पूछे तो आपको यहाँ पे अगर ब्लीडिंग को आप मतलब ब्लड को आप साफ कर रहे हैं तो वो केमिकल जो यूज लेंगे वो कौन सा लेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिट्रेंस ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड,
यानी कि जो अम्बिलिकल वेन है उसका ऑब्लिट्रेंस हो जाना, कब, बच्चे के जन्म के बाद में। वो स्ट्रक्चर जो नहीं बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC का जीवन काल आपको पूछा गया था। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 120 डेज, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज़ द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर, सबसे पहले जो दांत आते हैं बच्चों के अंदर वो आते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। और ये आपको ये पूछा गया कि सबसे पहले जो दांत आते हैं ना दो, लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये कब इरप्ट होते हैं, कब उगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 6 to 8 months, 6 से 8 महीने की एज पे जो है सबसे पहले दो दांत आते हैं बच्चे के, वो भी कौन से, लोअर सेंट्रल इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम ऑफ फील क्विकनिंग, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अर्लीस्ट टाइम फील क्विकनिंग, यानी क्विकनिंग आप जो भी आप तो क्या जो भी प्रेगनेंट मदर है वो जो क्विकनिंग फील करती है वो कब फील करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी 18 weeks। क्विकनिंग का मतलब बच्चे का लात मारना, बच्चा जब पेट में होता है तो वो सबसे पहले जब लात मारता है वो कब मारता है, 18 वीक पे, और उसकी माँ को पता भी चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी पर्सन को एड्स हुआ है, क्या हुआ है, एड्स, या फिर आप बोल दीजिए HIV हुआ है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है जो उसको इंडिकेट, सही से इंडिकेट करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स पर MM³, यानी जो CD4 सेल्स काउंट है वो 200 सेल्स से कम होगी। अगर आपको यहीं पे नॉर्मल पूछी जाएगी CD4 जो सेल्स होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर, तो आपको आंसर में करना था, आपको आंसर में करना है, मतलब अभी नहीं करना था लेकिन करना है, 800 यानी 800 सेल्स पर MM³। अगर आपको पूछा जाएगी CD8, एक होती है CD4 सेल्स, एक होती है CD8 सेल्स, दोस्तों जो CD8 सेल्स होती है वो तो 400 सेल्स ही होती है, मतलब CD8 सेल्स HIV का पर्सन हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो उसमें नॉर्मल रहती है, लेकिन जो एड्स होते हैं या फिर HIV के जो पर्सन होते हैं उनका CD4 से हम पता, मतलब CD8 से हम पता नहीं लगा सकते, उनका पता लगाते हैं CD4 सेल काउंट से। तो यहाँ पे जो CD4 सेल काउंट है वो 200 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नॉन एज, किसी भी मतलब मानव की या फिर मनुष्य की फिजिकली सोशली और कल्चरली हिस्ट्री के बारे में जानना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, नर विज्ञान, कौन सा विज्ञान, नर विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हॉर्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है उसके लिए कौन सा हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लैक्टोरिया यानी एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क डिस्चार्ज होना किसकी वजह से, मतलब एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क का बनना कौन से हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से, प्रोलैक्टिनेमिया की वजह से ग्लैक्टोरिया की कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर, यानी कि आपका मतलब क्या है कि जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो कितना हो जाए, मतलब कितना सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो जाए जिसे आप बोलेंगे कि अब हाँ डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड यहाँ पर भी आ गई है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी 4 2 3 1 4 2 3 1, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, 4 2 3 1, यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब हो गया कि इंजी एनर्जाइजिंग ऑफ अटेन सम स्पेसिफिक गोल, यानी स्पेसिफिक गोल प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्सन को गाड़ी चाहिए, मतलब BMW चाहिए, फिर स्कॉर्पियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, फ़ोन चाहिए, तो मतलब कुछ भी चाहिए उसको, अगर वो उसको नहीं मिल पाता है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर्स या नीड, यानी जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से
फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो उसकी ज़रूरतें थी, जो उसको लाना था, एक फ़ोन लाना था या फिर उसको गाड़ी लाना था या फिर लैपटॉप लाना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, तो उसके जो नीड्स थी, जो डिज़ायर्स थी, वो ब्लॉक हो जाएगी। उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस के स्ट्रेस का मतलब होता है साइकोलॉजिकल अपसेट। साइकोलॉजिकली अपसेट होना मतलब स्ट्रेस को गेन करना या फिर स्ट्रेस का हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, इंट्रामस्कुलर। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड लास्ट, विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज डेमोन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिलाई। जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं उनको कौन से स्टेनिंग या फिर कौन सा वो मेथड स्टेनिंग का जिसको मतलब इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, जेल नेल्सन स्टेनिंग। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी UPPSC के पेपर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इन ए 2 to 12 month बेबी विच रेस्पिरेटरी रेट में बी एन इंडिकेटर ऑफ न्यूमोनिया। 2 से 12 महीने का बेबी है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट कितनी क्या होगी जिससे वो इंडिकेट करेगी कि न्यूमोनिया इस पर्सन को या फिर इस बच्चे को हो गया है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, मोर देन 50 per minute। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 50 per minute आ रही है तो वो इंडिकेट कर रही है 2 से 12 महीने के बच्चे के अंदर कि इसको न्यूमोनिया हो चुका है। दोस्तों ये थे हमारे जो रिमेनिंग बच गए थे 70 questions, वो आज हमने डिस्कस कर लिए। आगे हम टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, वो आपको मिलते रहेंगे उनके नोट्स। बाकी जो भी सिस्टम्स होंगे वो हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो भी हम फटाफट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप उन्हें भी देखना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।